Assalamu-Alaikum. Walaikum Assalam, Abu. क्या तुम आज की कहानी के लिए तैयार हो? हाँ. बहुत बढ़िया. इंशाल्लाह आज मैं तुम्हें पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाऊंगा. वो कौन थे अबू? पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम को इस्लाम में एक पैगंबर, एक कासिद और एक रहनुमा का दर्जा हासिल है. वो एक ऐसे अकेले शख्स हैं जिनका कुरान में सबसे ज्यादा जिक्र किया गया है. कुरान हमें ये बताती है कि पैगंबर को अल्लाह ने मिस्र के बादशाह और इसराइलियों की रहनुमाई और उन्हें आगाह करने के लिए भेजा था. अरे वाह, मुझे कहानी सुनाइए ना अबू. ठीक है, अब गौर से सुनो. दास्तान पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम की. पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम एक शहजादे के तौर पर बड़े हुए. उस वक्त मिस्र का बादशाह फराओ याकूब अलैहिस्सलाम के अकीदतमंदों से बहुत बुरा सलूक करता था. ये अकीदतमंद इसराइल की औलादों के तौर पर जाने गए. उन्हें गुलामों की तरह रखा जाता, उनसे बहुत कम मजदूरी पर काम कराया जाता और कभी कभार तो कुछ भी नहीं दिया जाता. फराओ चाहता था कि इसराइली सिर्फ उसका हुक्म माने और उसके खुदा की इबादत करें. इसी तरह मिस्र में बहुत सारे बादशाह आए और उन्होंने खुद को ही खुदा माना या फिर खुदा का पैगंबर. कई बरस बीत गए और बेरहम फिरौन को फराओ कहा जाने लगा. वो इसराइलियों से बहुत नफरत करता था. इसराइलियों को सजा देने का वो कोई भी मौका नहीं छोड़ता था. वो रियासत में उनकी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की देखकर उनसे बहुत नफरत करता था. एक रात जब फराओ सो रहा था, उसने एक ख्वाब देखा. अपने ख्वाब में उसने देखा कि एक बड़ा सा आग का गोला आसमान से नीचे आया और उसने पूरे शहर को जला डाला. आग ने मिस्र के लोगों के घरों को तबाह कर दिया, लेकिन इसराइलियों के घरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा. फराओ डर गया. उसे अपने ख्वाब का मतलब समझ में नहीं आया, लिहाजा अगले दिन उसने वाइजों और जादूगरों को बुलाया. फिर उसने उनसे अपने ख्वाब की ताबीर पूछी. वाइज ने उससे कहा, इसका मतलब है इसराइलियों के यहां एक लड़का पैदा होगा और मिस्र के लोग उस लड़के के हाथों मारे जाएंगे. फराओ गुस्से से भर गया. उसने हुक्म दिया कि इसराइलियों के यहां पैदा होने वाले हर लड़के को मार दिया जाए. फराओ के हुक्म की तामील की गई और सिपाहियों ने इसराइलियों के यहां पैदा होने वाले हर लड़के को कत्ल करना शुरू कर दिया. ये वही वक्त था जब पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए. पैगंबर की पैदाइश एक गरीब इजरायली खानदान में हुई. उनका एक बड़ा भाई था जिसका नाम हारून अलैहिस्सलाम था और उनकी एक बहन भी थी. नबी के लिए अल्लाह सुभान अल ताला ने एक मंसूबा बनाया. उन्होंने उनकी माँ को हुक्म दिया कि वो उन्हें टोकरी में रखें और उसे नील नदी में बहा दें. मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने वही किया जो उन्हें कहा गया था. उन्होंने उन्हें बहती हुई नदी में छोड़ दिया. वो अपने बेटे के लिए बहुत गमजदा थीं. वो जानती थीं कि अब तक अल्लाह ने उनके बेटे को महफूज रखा है और आगे भी उसे कोई नुकसान नहीं होने देंगे. जब टोकरी दूर बह गई तो उन्होंने अपनी बेटी से उसका पीछा करने को कहा और ये पता लगाने को कि उनका बेटा महफूज है. टोकरी दरिया में लंबे वक्त तक बहती रही और पैगंबर की बहन उसका पीछा करती रही जैसा कि उनकी मां ने उन्हें हुक्म दिया था. अल्लाह टोकरी की रहनुमाई कर रहे थे. कुछ वक्त नील नदी में बहने के बाद वो टोकरी एक पतली धार की तरफ मुड़ गई. उस धार में फराओ की बेगम गुसल कर रही थी. जब उसने वो टोकरी देखी तो अपनी कनीजों से उसे किनारे पर लाने को कहा. जब उसने बच्चे को देखा तो उसे उस पर प्यार उमड़ आया. फराओ की बेगम फराओ से बहुत अलग थी. वो एक यकीन पसंद और रहमदिल औरत थी. वो एक बच्चे के लिए तड़प रही थी. जब उसने उस बच्चे को देखा तो उसे गले लगा लिया और चूमने लगी. बेगम को एक बच्चे को प्यार करता देखकर फराओ हैरत में पड़ गया. उसकी बेगम खुशी से रो रही थी और ऐसा उसने पहले कभी नहीं देखा था. मुझे बच्चा रखने दो, ये हमारा बेटा होगा, उसने अपने शौहर से इल्तजा की. फराओ उसकी बात टाल नहीं सका और उन्होंने बच्चे को गोद लेने का फैसला किया. कुछ वक्त बाद बच्चे को भूख लगने लगी और उसने रोना शुरू कर दिया.
बादशाह की बेगम ने तब कुछ दाइयों को उसे दूध पिलाने के लिए बुलाया, लेकिन बच्चे ने उनमें से किसी का भी दूध नहीं पिया। और फिर सिपाही उसकी बहन को बादशाह की बेगम के पास लेकर आए। ये लड़की टोकरी का पीछा कर रही थी, उन्होंने बताया। बहन ने जवाब दिया, मैं तो बस यूं ही टोकरी का पीछा कर रही थी बेगम साहिबा। जब उसने अपने भाई को रोते देखा तो उसे फिक्र हुई और उसने उगल ही दिया, मैं किसी को जानती हूँ जो इसे दूध पिला सकता है। बेगम साहिबा राजी हो गई और उन्होंने सिपाहियों को उस औरत को लाने का हुक्म दिया जिसके बारे में वो छोटी लड़की बात कर रही थी। पैगंबर की बहन फिर अपनी माँ को ले आए और उन्होंने दूध पिलाना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने बच्चे को सीने से लगाया, उसने दूध पीना शुरू कर दिया। फराओ ये सब देखकर हैरत में पड़ गया और उसने पूछा, तुम हो कौन? इस बच्चे ने किसी और का दूध नहीं पिया, पर तुम्हारा कैसे? पैगंबर की मां ये जानती थी कि अगर उन्होंने सच्चाई बताई तो वो बच्चे को तुरंत कत्ल कर देंगे, लिहाजा उन्होंने कहा, मेरा दूध मीठा और खुशबूदार है, इसलिए कोई बच्चा इनकार नहीं करता। उनके जवाब ने फराओ को मुतमईन कर दिया और उन्हें आया की जिम्मेदारी सौंप दी गई। मूसा अलैहिस्सलाम महल में एक शहजादे की तरह बड़े हुए। अल्लाह ने उन्हें अच्छी सेहत, ताकत, इल्म और अक्लमंदी से नवाजा। वो रहम दिल थे, लिहाजा उनके पास कमजोर और सताए हुए लोग अक्सर मदद मांगने आते। एक दिन शहर में टहलते हुए उन्होंने देखा कि मिस्र का एक सिपाही एक इजरायली को मार रहा था। जब इजरायली ने पैगंबर को वहां देखा तो उनसे मदद की गुहार लगाने लगा। पैगंबर ने उस बेचारे की मदद करने का फैसला किया और सिपाही से जुल्म बंद करने को कहा। सिपाही ने रौब जमाते हुए उनसे उनके बारे में पूछा और कुछ ऐसा कह दिया जिससे पैगंबर बहुत नाराज हो गए। पहले तो पैगंबर ने सिपाही को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं था। लिहाजा पैगंबर एक कदम आगे आए और उन्होंने सिपाही पर एक जोरदार वार किया जिससे वो वहीं गिर गया और मर गया। जब उन्हें ये एहसास हुआ कि उन्होंने क्या किया है तो उनके माथे से ठंडा पसीना छूटने लगा। उन्होंने खुद से कहा, ये शैतान का काम है, उसने मुझे गुमराह किया है। पैगंबर जानते थे कि जब तक किसी पर मुकदमा ना चलाया जाए और वो मुजरिम साबित ना हो, उसे मारना गुनाह है। वो वहीं सजदे में आ गए और अल्लाह से दुआ करने लगे, ऐ मेरे मालिक, मैंने अपनी रूह के साथ गलत किया है, मुझे मुआफ करें। अगले दिन उन्होंने उसी इजरायली आदमी को एक और आदमी के साथ झगड़ते देखा। पैगंबर ने कमजोर इंसान की मदद की और कहा, लगता है तुम रोज किसी न किसी से झगड़ते रहते हो। इजरायली डर गया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मत मारिए, जैसे कि कल आपने उस सिपाही को मार डाला था। इस इजरायली के साथ जो मिस्र का आदमी लड़ रहा था, उसने ये पूरी बात सुनी और जाकर शाही अफसरों को बता दी। अगले दिन जब मूसा अलैहिस्सलाम शहर में चहलकदमी कर रहे थे तो एक आदमी दौड़ता हुआ उनके पास आया। मूसा, सिपाही तुम्हें गिरफ्तार करने आ रहे हैं, वक्त रहते यहाँ से भाग जाओ, उस व्यक्ति ने कहा। पैगंबर जानते थे कि मिस्र में कत्ल की सजा मौत है, लिहाजा उन्होंने मिस्र छोड़ने का फैसला किया। पैगंबर ने जल्दबाजी में मिस्र छोड़ दिया, यहाँ तक कि उन्होंने कपड़े भी नहीं बदले। वो सफर के लिए तैयार नहीं थे, उनके पास कोई सवारी भी नहीं थी और ना ही कोई कारवां। जैसे ही उन्हें आगाह किया गया, उन्होंने शहर छोड़ दिया। माशाल्लाह, ये एक बहुत अच्छी कहानी थी। मुझे खुशी है ये तुम्हें पसंद आई बेटा। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो मुझे बताओ, फराओ ने इसराइल में पैदा होने वाले हर बच्चे को मारने का हुक्म क्यों दिया? क्योंकि वाइस ने उन्हें आगाह किया था। उन्होंने कहा था कि इसराइलियों के घर एक बेटा पैदा होगा जिसके हाथों मिस्र के लोगों का खात्मा हो जाएगा। माशाल्लाह, ये सही है। अब मुझे बताओ, पैगंबर की माँ ने उन्हें कैसे बचाया? अल्लाह ने उन्हें अपने बच्चे को टोकरी में रखकर नील नदी में बहाने का हुक्म दिया। और क्या तुम मुझे बता सकते हो वो टोकरी किसे मिली? वो टोकरी बादशाह की बेगम को मिली और उसने बच्चे को अपना लिया। बहुत अच्छे। अब मुझे बताओ, पैगंबर को मिस्र क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि एक इजरायली को बचाने की कोशिश में पैगंबर से मिस्र के सिपाही का खून हो गया। जब सिपाही उन्हें गिरफ्तार करने आए तो पैगंबर ने मुल्क छोड़ दिया। ये बहुत बढ़िया था। और अब आज के लिए इतना ही, मैं तुम्हें कल एक और कहानी सुनाऊंगा। शब्बा खैर मेरे बच्चे।